हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश डेफिनेशन, सभी 11th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स का जेडी के डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। इंग्लिश पोयम का कंप्लीट ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन कर लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे। नेक्स्ट जो पोयम है आपके, पोयम नंबर 2 क्या है? लेट मी नोट टू द मैरिज, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ऑफ टू माइंड्स। तो किसने लिखा है, किसने इसको रचित किया है? कंपोज्ड बाय ग्रेटेस्ट पोएट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर प्रोमिनेंट हिस्ट्री विलियम शेक्सपियर। अब लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, इसका अर्थ क्या है? इस टाइटल का मतलब क्या है? सच्चे मन वालों के वैवाहिक संबंध के लिए, सच्चे मन वाले यानी ट्रू माइंड्स ऑफ मैरिज, वैवाहिक संबंधों के लिए, यानी दो प्रेमी जब एक दूसरे से शादी या दो व्यक्ति को, दो इंसान मेल और फीमेल जब शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं हमेशा हमेशा जिंदगी भर के लिए, तो मैं उनके लिए संबंध के लिए मैं कोई अड़चन स्वीकार कर रहा हूं, इसका मतलब है उनके पक्ष में बोलने लगे। मैरिज यानी शादी के पक्ष में, शादी करने वालों के पक्ष में, शादी करने वालों के पक्ष में रहे, कोई अड़चन स्वीकार नहीं करना चाहता, पक्ष में रहेगा शादी करने वालों के लिए, प्रेम के पक्ष में। ध्यान,
चेंजर नंबर फर्स्ट लेट मी नोट टू द मैरिज impediments love is not love which alters with the इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधाएं एडमिट का मतलब स्वीकार करना इम्पेडिमेंट्स का मतलब बाधाएं लव इज नॉट लव प्रेम प्रेम नहीं है विच एंटर्स A-N-P-E-R-S Enters Enter का मतलब change होना Change होना बदलाव बदल जाना Alteration यानी बदलाव Find यानी पाना कहने का अर्थ है कि सच्चे मन से प्रेम के संपर्क में आए हुए लोगों के मार्ग में आने वाली किसी रुकावट को मैं स्वीकार नहीं करता वह प्रेम प्रेम नहीं होता जो किसी परिवर्तन को पाकर परिवर्तित हो जाए या कि प्रेम हटाने वाले लोगों के साथ मिलकर हटने के लिए थोड़ा सा भी चुप है अब देखो वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रही है इसको मैं हटा देता हूँ
मीडियम साइज फिर कहते हैं, फ्रेम के पक्ष में बोले या सच्चे फ्रेम के बारे में, सच्चे फ्रेम के बारे में, सच्चे फ्रेम के बारे में हटाने वाला कहलाता है, तो हमको झुकाता है।
हमको झुकाता है हटाने के लिए, कोई रिमूवर हटाने वाला हमको हटाता है झुकाने के लिए। और यदि हम झुक जाते हैं या फिर विकल्प मिलने पर परेशानी के विकल्प मिलने परेशानी से हटने के लिए विकल्प मिलने पर उसको हटाते हैं। अगर बदलाव, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति यदि बदलता है और उसका प्रेम झूठा साबित होता है तो वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो फॉल्स लव है। ठीक है, चिन्ह और
बाद में जहाज और फिर कीमत कीमत अनोन यानी अजी जिसका कोई पता नहीं अज्ञात भटके हुए हैं, हमको मंजिल पर जाना है, तो
तो प्रेम हमको हमारी मंजिल तक ले जाता है। तो यहाँ पर भटके हुए जहाज की संज्ञा हम हैं, यानी हमारी तुलना जिनको प्रेम नहीं है, भटके हुए इंसान है, उनको प्रेम की आवश्यकता है, वो भटके हुए जहाज है और उन्हें एक तारे की आवश्यकता है जो तारा बता देगा ये कौन सी दिशा है, कहाँ पर हमें जाना है। तो हम वेंडरिंग बार पे हम एक भटके हुए जहाज है, उसको ये तारे के प्रेम के द्वारा हम अपनी नैया पार लगा सकते हैं। Whose worth is unknown? Within his bending bending
निकल्स कंपास का एज ऑफ डूम का मतलब होता है अंत समय।